अस्सलाम वालेकुम। हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी, आल्सो नॉन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन यूज प्रेजेंटली। दिस टोपोलॉजी इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी एंड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बस टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिक्सचर है। दिस टोपोलॉजी डिवाइड्स द नेटवर्क इनटू मल्टीपल लेयर्स और लेवल्स ऑफ नेटवर्क मेनली इन लैंस। अ नेटवर्क इज बाइफ्रेक्टेड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। तो हमारे पास क्या है, ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें ये हमारे पास ट्री टोपोलॉजी की एग्जांपल दी हुई है। इसमें क्या है, एक हमारे पास ऊपर कोर लेयर हो जाती है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो जाती है, और फिर कौन सी है, एक्सेस लेयर हो जाती है। तो इसमें क्या है, ऑल नेबरिंग होस्ट हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन देम। तो ये जो हो डिस्ट्रीब्यूशन पे लेयर पे सारे होते हैं, इनके दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, और हर जो डिवाइस है यहाँ पे इसके साथ फर्दर नोड्स जो हैं हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, लेकिन तब भी किसी एक के फेलियर की वजह से सारे जो बाकी भी नेटवर्क है वो भी अफेक्ट होता है। तो इसमें किस तरह से है कि अगर ये वाला फेल हो जाएगा तो ये वाले आपस में तो डाटा सेंड कर सकेंगे, लेकिन ये वाले इन्हें डाटा सेंड नहीं कर सकेंगे और ना ही ये आपस में डाटा सेंड कर सकेंगे। इसलिए इसमें पॉइंट ऑफ फेलियर डिफरेंट होते हैं कि ये वाला इस ख़राब होने की वजह से भी कोई इफ़ेक्ट आ सकता है, ये वाला ख़राब होने की वजह से भी आ सकता है। तो एवरी कनेक्शन सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ फेलियर, फेलिंग ऑफ विच डिवाइड्स द नेटवर्क इनटू अनरीचेबल सेगमेंट। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ख़राब हो जाता है, तो इसमें क्या है, ये आपस में तो एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे हैं, लेकिन ये वाले आपस में सेंड कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सेंड डाटा नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो सारे इश्यूज हैं, इनमें पॉइंट ऑफ फेलियर जो है हमारे पास कई हैं और मुख्तलिफ उनका अफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है डेजी चेन। डेजी चेन हमारे पास सिंपलेस्ट वाला है। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, वो वाला जो है उससे नेक्स्ट से, और फिर क्या है, लास्ट से। तो हमारे पास जो तकरीबन रिंग टोपोलॉजी वाला है, सिर्फ इसमें क्या है, फोर वाला फर्स्ट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी से मिलता है। सिर्फ क्या है, ये वाली चीज़ हमारे पास डिफरेंट है। इसमें रिंग में क्या है, हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इसका क्या मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो जाता है तो सारे का सारा नेटवर्क रुक जाता है, मैसेज क्या है, नेक्स्ट पास नहीं हो सकता। एवरी लिंक फेलियर स्प्लिट्स द नेटवर्क इनटू टू सेगमेंट्स। अगर हमारे पास ये वाला फेल हो जाता है तो एक सेगमेंट ये बन जाएगा, एक सेगमेंट ये बन जाएगा। ये तो आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे, लेकिन ये किसी को भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा और ना ही ये इन्हें कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है दैट डिज़ाइन कंटेन्स मोर देन वन टोपोलॉजी। अगर मुख्तलिफ टोपोलॉजीज का मिक्सचर बन करके बनाई है डिज़ाइन टोपोलॉजी का, तो वो हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है उसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी, और इन तीनों को हमने कनेक्ट किससे किया हुआ, रिंग से। तो ये एक किस्म की हाइब्रिड टोपोलॉजी है। फर्दर हमारे पास जो है, हमने टोपोलॉजीज सारी डिफरेंट किस्म की चेक कर ली, उसके बाद हम डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस को ऐसी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। तो तमाम ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम दूसरे डिवाइसेस को
नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस ट्रांसफर डाटा इन अ फास्ट सिक्योर एंड करेक्ट वे ओवर सेम और डिफरेंट नेटवर्क्स। तो इन डिवाइसेस से क्या होता है, सेम या डिफरेंट नेटवर्क्स पे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। सेम या डिफरेंट का मतलब ये है कि हम लोकल लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक उस पर भी सेंड कर सक रहे हैं, और दूसरा क्या है, उससे किसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क पे भी डाटा सेंड कर सकते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस मे बी इंटर नेटवर्क और इंट्रा नेटवर्क। सम डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और RJ45 कनेक्टर, वेयर एज सम आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क लाइक राउटर, स्विच एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्या है, दो तरह की डिवाइसेस हैं, या तो वो क्या होती हैं लोकल डिवाइस पे, उस डिवाइस पे जिसने डाटा सेंड करना है उस पे इंस्टॉल हुई भी होती हैं, या हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क का, हमारे पास ऐसी ही डिवाइसेस में से जो है उनमें से एक है मोडेम। मोडेम क्या है, मोडेम इज़ अ डिवाइस दैट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस। द डाटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इज डिजिटल, वेयर एज अ टेलीफोन लाइन और केबल वायर कैन ट्रांसमिट डेट ओनली एनालॉग डाटा। तो हमारे पास एक डिवाइस कौन सी आ गई, मोडेम, जिसका काम क्या है, उसने कंप्यूटर से डाटा को सेंड करना है या रिसीव करना है, किसके ज़रिए, टेलीफोन और केबल लाइंस के ज़रिए। इसमें एक कंसेप्ट नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिजिटल डाटा का और एनालॉग डाटा का। तो हमारे पास डिजिटल डाटा जो है इसका हमें थोड़ा सा पहले अंदाज़ा है कि क्या है, बाइनरी डाटा को, बाइनरी कोड को या मशीन कोड को जो है हम कह रहे होते हैं ज़ीरो और वन। तो तमाम जो डाटा है जो कंप्यूटर पे मौजूद होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, बाइनरी कोड में होता है, यानी ज़ीरो और वन की फॉर्म में होता है। तो जो कंप्यूटर है वो तमाम के तमाम सिर्फ डिजिटल डाटा या बाइनरी डाटा को ही रिकग्नाइज करते हैं, जबकि हमारे पास जो टेलीफोन लाइंस हैं या केबल वायर्स हैं उनमें जब डाटा पास होता है तो वो एनालॉग डाटा होता है, यानी वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होता है, जबकि बाइनरी की हमारे पास डिस्क्रीट वेव फॉर्म होती है। तो मोडेम का क्या काम है, मोडेम ने कंप्यूटर से डाटा सेंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कंप्यूटर ए है हमारे पास और क्या है, कंप्यूटर बी। तो कंप्यूटर ए से डाटा उसने सेंड करना है कंप्यूटर बी के पास। तो पहली बात क्या है, कंप्यूटर ए के पास जो डाटा होगा वो होगा डिजिटल डाटा, लेकिन हमारे पास जो इस पे टेलीफोन लाइन पे जाना है या केबल वायर पे जाना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एनालॉग हो। तो हमारे पास जो कंप्यूटर में जो मोडेम होती है वो क्या करती है, इस डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर देती है। तो जब टेलीफोन लाइन में डाटा जा रहा होता है तब वो किस में होता है, एनालॉग डाटा होता है। यही वाला एनालॉग डाटा जो है दूसरे कंप्यूटर की मोडेम के पास जाता है, वो मोडेम इस डाटा को डिजिटल डाटा में करते है और फिर क्या है, ये वाला कंप्यूटर उसे रिसीव कर लेता है। तो इस तरह से मोडेम सेंड कर रहा है डाटा और साथ में उसे क्या है, डिजिटल से एनालॉग में या एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट भी कर रहा है। ये आ गया हमारे पास मोडेम। अब मोडेम में फर्दर हमारे पास दो डिवाइसेस का कम्बिनेशन से कहा हुआ है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि डी मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, जो दो उसके फंक्शन है।
इसी तरह से टाइप ऑफ मोडेम्स आ गई, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोडेम इस लिहाज से दी हुई है, या इन्हें क्या है ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड होते हैं हमारे पास तीन, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि डाटा हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हम डाटा दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम, कि एक वक्त में या हम सिर्फ सेंड कर सकते हैं या सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि डाटा को हम ट्रांसमिट बोथ डायरेक्शंस में कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन मोड है हमारे पास, इनको अगर चेक करें तो हमने पहला क्या कह दिया कि कौन सा है, सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास डिवाइस ए है, या हम कह रहे हैं कंप्यूटर ए है, दूसरा क्या है कंप्यूटर बी। तो सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन मोड है, या ऐसी मोडेम्स जो हैं जो सिंप्लेक्स मोड पे काम कर रही हैं, उनका क्या है कि कंप्यूटर ए जो है वो सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है, या इस ट्रांसमिशन मोड में क्या है कि डाटा सिर्फ सेंड होगा, और कंप्यूटर बी का क्या है कि वो उस डाटा को सिर्फ रिसीव कर रहा है। तो सिंप्लेक्स मोड में हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि कोई एक फंक्शनैलिटी होती है, या सेंड करने की या रिसीव करने की। इसकी एग्जांपल देखें अगर हम, तो हमारे पास कोई भी ब्रॉडकास्ट है, फॉर एग्जांपल टीवी का ब्रॉडकास्ट है कि टीवी स्टेशन से कोई चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो रिसीव तो हो रहा है लेकिन उसे कोई डाटा सेंड नहीं किया जा रहा, या वो सिर्फ सेंड कर रहा है, वो कोई भी डाटा को रिसीव नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, सिंप्लेक्स की। इसमें एक और भी हो सकता है, अगर कंप्यूटर से हम इंटरनेट की एग्जांपल लें कि हम किसी सर्वर से डाटा ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है। दूसरा हमने कह दिया था हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, डाटा सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है, लेकिन दोनों में से एक वक्त में कोई एक काम हो रहा होता है। अब हमारे पास ए है, इसी तरह से ये बी है, तो ए जो है डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा को रिसीव भी कर सकता है, लेकिन फ़र्क क्या है, इशू यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एट अ टाइम, या डेटा सिर्फ क्या होगा सेंड होगा, या सिर्फ क्या होगा रिसीव होगा, दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास जो आर्मी में अक्सर, या इस तरह के पुलिस भी मैनेजमेंट में वॉकी टॉकी वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली सैट फोन्स होते हैं, सेटेलाइट फोन्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है डाटा एक वक्त में या सेंड हो रहा होता है या रिसीव हो रहा होता है, वो बात करने के बाद उस कंट्रोल दूसरे को देते हैं और वो फिर उसका आंसर करता है, दरमियान में इंटरप्ट करके एक दूसरे को आंसर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। ये किस तरह का ट्रांसमिशन मोड है, ये इस तरह का ट्रांसमिशन मोड है जिसमें दोनों जो हैं हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ये आम जो फ़ोन्स पे, मोबाइल्स पे जो हम बात कर रहे होते हैं, ये ट्रांसमिशन मोड किसको फॉलो कर रहे होते हैं, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड को। तो जिस तरह से ये ट्रांसमिशन मोड डिफरेंट है, इसी तरह से मोडेम्स भी डिफरेंट होती हैं। मोडेम्स की एक और भी टाइप्स कंसीडर की जाती है, एक को क्या है हम डेडिकेटेड मोडेम कहते हैं, और एक क्या होती है सिंपल मोडेम होती है। तो डेडिकेटेड मोडेम ऐसी होती है जो सिर्फ कंप्यूटर में डाटा को सेंड करने के लिए कंप्यूटर के साथ यूज़ हो रही होती है, जबकि हमारे पास जो सिंपल मोडेम है
उसमें हम उसकी फंक्शनैलिटी जो है फैक्स के लिहाज से भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर के साथ नहीं, वो अलग से भी यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट डिवाइस जो हमारे पास आ जाती है वो है रजिस्टर्ड जैक 45 या RJ45 कनेक्टर। तो इस ये क्या है, हमारे पास 8 पिन जैक यूज्ड बाय डिवाइसेस टू फिजिकली कनेक्ट टू इथरनेट बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो इथरनेट की जो वायर होती है उसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास जैक या पिन यूज़ होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, RJ45। तो ये हमारे पास जिस भी कंप्यूटर में हमने इथरनेट वाली वायर या नेट की वायर को कनेक्ट करना होता है उसमें जो है ये वाली हम कनेक्टर के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इथरनेट कार्ड, या जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड बाय कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इथरनेट लैन एंड कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइसेस। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर के अंदर किया जा लगाया जाता है ताकि उसमें इथरनेट से कनेक्शन के लिए कैपेबिलिटी आ जाए। और इसी के अंदर जो RJ45 है उसका सॉकेट होता है जिसमें RJ45 वाला प्लग या पिन लगती है। तो अगर ये वाला इथरनेट कार्ड नहीं होगा तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। मोस्टली कंप्यूटर्स में, मोस्ट लैपटॉप्स में ये बिल्ट इन होता है, जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें ये मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सा, राउटर। राउटर को भी पढ़ने से पहले जो है हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ही एक और टाइप है, पहले उसे डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वाईफाई कार्ड। तो अगर हमने इथरनेट वाली केबल लगानी हो या वायर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तब तो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या इथरनेट कार्ड यूज़ होता है। जबकि अगर हमने वायरलेस नेटवर्क यूज़ करना है, अगर हम फैसिलिटी चाहिए कि हम बग़ैर किसी वायर के नेट यूज़ करें तो उसमें क्या चाहिए होता है, वाईफाई कार्ड चाहिए होता है। तो वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडेलिटी की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है, कि वायरलेस कनेक्शन को यूज़ कर रहा होता है। वाईफाई कार्ड इज़ अ कार्ड यूज्ड टू कनेक्ट एनी डिवाइस टू लोकल नेटवर्क वायरलेसली। तो ये बिल्कुल इथरनेट कार्ड वाला ही काम कर रहा है, सिर्फ इसका काम क्या है, वो वायर्ड के लिए था, ये वायरलेसली के लिए है। द फिज़िकल एरिया ऑफ द नेटवर्क विच प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस थ्रू वाईफाई इज कॉल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, जिस लोकेशन से, जिस फिज़िकल एरिया से नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट। तो ये उसकी एक एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास क्या है, ये दरमियान में वाईफाई हॉटस्पॉट है, बाकी जो डिवाइसेस हैं उनमें वाईफाई कार्ड या वायरलेस कार्ड है जिसके ज़रिए वो इस हॉटस्पॉट को एक्सेस कर रही हैं। जो फर्स्ट हमने 3 डिवाइसेस पढ़ी हैं, एक हमारे पास मोडेम था, दूसरे क्या था, RJ45 कनेक्टर था और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इथरनेट कार्ड भी है वायर्ड के लिए, और दूसरा हमारे पास वाईफाई कार्ड के लिहाज से भी। तो ये तीनों जो हैं ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिस कंप्यूटर या जिस मोबाइल लैपटॉप, जिस डिवाइस से डाटा सेंड या रिसीव करना होता है ये उस डिवाइस पे ऐड की जाती हैं या उस डिवाइस में मौजूद होती हैं, ताकि उसमें ये कैपेबिलिटी ऐड कर सकें कि वो डाटा को सेंड या रिसीव करें। जो हमारे पास बाकी डिवाइसेस, हम नेटवर्क की डिवाइसेस पढ़ेंगे, वो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क का पार्ट है, जो नेटवर्क के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं या मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, उनके दरमियान पाथ फाइंड कर रही हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो उनमें जो पहली डिवाइस है वो आ गई हमारे पास रिपीटर।
तो रिपीटर का जैसे नेम बता रहा है कि अगर हमारे पास नेटवर्क पे हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो नेटवर्क हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस है। तो अगर हमारे पास डेटा हम यहाँ एक पॉइंट एक डिवाइस से बहुत दूर जो है एक डिवाइस है उस तक सेंड कर रहे हैं, दरमियान में डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस आ रही हैं, डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स के नोड्स और पॉइंट्स आ रहे हैं, और भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है कि आगे तक डेस्टिनेशन तक डाटा के पहुंचने तक सिग्नल जो होता है वो वीक हो जाता है। तो जब सिग्नल वीक हो जाएगा तो वो अपने डेस्टिनेशन तक सही तरह से नहीं पहुंच सकेगा, उसमें एरर आ जाएंगे इस तरह से। तो रिपीटर क्या करता है, रिपीटर डेटा को दोबारा से उस वीक सिग्नल को दोबारा से ठीक बनाता है, दोबारा से ठीक कर देता है ताकि उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है, ताकि डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक डाटा में कोई भी एरर ना आए या उसमें कोई भी उसके एम्पलीट्यूड में फ़र्क ना आए। अ रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिज़िकल लेयर, ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास फिज़िकल लेयर क्या होती है। हमारे पास जो नेटवर्क होता है या ट्रांसमिशन हो रही होती है, हम उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं और हर लेयर जो है वो डिफरेंट काम कर रही होती है। तो रिपीटर का वो क्या कह रहा है कि ये किस लेयर पे काम कर रहा है, फिज़िकल पे। इट्स जॉब इज़ टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड, सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। तो कहाँ तक नेटवर्क में डेटा को हम आसानी से सेंड कर सकते हैं, उसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए जो है हमारे पास कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, रिपीटर। नेक्स्ट आ गया हब। अ हब इज़ बेसिकली मल्टी पोर्ट रिपीटर। अच्छा, इसमें देखें, ये हमारे पास क्या था, टू पोर्ट डिवाइस थी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। इसमें क्या है, अ हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल द कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशंस। तो अब टू पोर्ट में जब हम बात की थी तो हम कर रहे थे कि सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान है, यानी एक रिपीटर जो है उसके पास एक ही डिवाइस से वो कनेक्टेड है, जबकि हमारे पास हब जो है ये मल्टी पोर्ट है कि इसमें एक ही जो हमारे पास फॉर एग्जांपल डिवाइस है इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। हब कैन नॉट फिल्टर डाटा, सो डाटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इन अदर वर्ड्स, कुलियन डोमेन ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब रिमेंस वन। Also, they don't have intelligence to find best path for data packets, which lead to the efficiencies and wastage. तो डाटा का हमारे पास ट्रांसफ़र का कंसेप्ट यह है कि जो सारे का सारा डाटा होता है वो पैकेट्स की सूरत में सेंड होता है। तो अब क्या है, अगर हमारे पास इन डिवाइसेस को हम डिफरेंट नेम दे लेते हैं, तो अगर ये जो ए डिवाइस है ये डी को डाटा सेंड करना चाह रही है, वो पहले हब को डाटा देगी, और हब के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि उसे पता हो कि ये डाटा किसके पास जाना चाहिए, वो इन तमाम डिवाइसेस को ये डाटा सेंड कर देगा, और जिस डिवाइस के पास उसका एड्रेस होगा, जिस डिवाइस का एड्रेस जो है रिसीविंग डाटा से मिलता है, उस एड्रेस पे वो रिसीव हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि ये जो हमने वर्चुअल लैन में और उसमें पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें कुलियन डोमेन नहीं चेंज हो रही, बल्कि क्या है, ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू द होस्ट रिमेंस वन। तो कुलियन डोमेन जो है इन सब की सेम रहती है, क्योंकि डाटा सबका सेंड हो रहा है, और इसमें क्या है, इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें ये डिसीजन पावर नहीं है कि ये बता सके कि डाटा पैकेट सिर्फ कौन सी डिवाइस को सेंड करना है या कौन सा पाथ सेंड करने के लिए बेटर है।
नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ हब, तो हमारे पास एक्टिव हब है और क्या है पैसिव हब। तो अगर हब के पास अपनी पावर सप्लाई है और तो वो हमारे पास कौन सी है एक्टिव हब है। पैसिव हब कौन सी है हमारे पास जिसके पास अपनी सप्लाई पावर सप्लाई नहीं है बल्कि वो किसी और एक्टिव हब से पावर सप्लाई ले रही है या किसी भी वायरिंग के जो दूसरे नोड्स हैं उनसे पावर सप्लाई ले रही है, तो वो हमारे पास कौन सी है पैसिव हब। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिज। अब ब्रिज ऑपरेट्स एट डाटा लिंक लेयर, तो ये भी हमारे पास लिंक लेयर्स को हम डाटा लिंक लेयर को हम बाद में पढ़ेंगे। अब ब्रिज इज़ अ रिपीटर विच एड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इसमें पहली बात तो क्या आ गई कि हमारे पास मैक एड्रेस क्या होता है। तमाम जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या मोडेम है जिस डिवाइस पे मौजूद होता है, उसका अपना एक स्पेशल एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस के ज़रिए डाटा को जो सेंड किया जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यानी सेंडिंग से रिसीविंग तक, तो उसमें हमारे पास ब्रिज का क्या काम है कि ब्रिज दो डिफरेंट लैंस को, लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। जैसे हमने देखा था कि स्टार टोपोलॉजी में है दो तरफ हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्टार टोपोलॉजी है और ये आपस में जो है फर्दर किसी यहाँ पे ब्रिज से कनेक्टेड है। ये जो स्टार टोपोलॉजीज हैं ये हमारे पास दो लेंस हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लेन है, यहाँ पे दूसरा लेन है, ये दोनों आपस में क्या है कनेक्टेड हैं ब्रिज से। तो इसमें दो तरह के ब्रिजेस आ गए, इनको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल देख लें कि ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स राउटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज इस तरह का ब्रिज होता है कि जिसमें जो साइडों वाले ये स्टेशंस हैं इनको इसकी प्रेजेंस का नहीं पता होता, जबकि सोर्स राउटिंग ब्रिज ऐसा ब्रिज है जिसमें ब्रिज जो होता है वो राउटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, वो सही पाथ डिस्कवर कर रहा होता है, तो वो हमारे पास सोर्स राउटिंग ब्रिज में आ जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्विच। स्विच भी क्या है, मल्टी पोर्ट ब्रिज है विद अ बफर एंड अ डिज़ाइन दैट कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी। अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स इम्प्लाई लेस ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस। तो स्विच क्या है, जैसे ब्रिज जो है वो दो लेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा था, स्विच जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट लेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग द डाटा दैट मेक इट वेरी एफिशिएंट एंड इट डज नॉट फॉरवर्ड पैकेट्स दैट हैव एरर। तो इसमें क्या होता है, एरर चेकिंग की फंक्शनैलिटी होती है। इन अदर वर्ड्स स्विच डिवाइड्स कुलिनियर डोमेन ऑफ होस्ट बट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में सेम। तो स्विच में क्या होता है, जो कुलिनियर डोमेन है उसको तो डिवाइड कर देता है, क्योंकि अब जो कुलिनियर वाला है डाटा है या जो एरर है डाटा का वो नहीं सेंड हो रहा, लेकिन डाटा तब भी सबको सेंड हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राउटर। राउटर इज़ अ डिवाइस लाइक स्विच दैट राउट्स डाटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो राउटर किस तरह की डिवाइस है जो डाटा को राउट करती है उनके आईपी एड्रेस के मुताबिक। तो इसमें देखें कि अगर हम पहले के लिहाज से अगर देखते आएँ तो ब्रिज सिर्फ क्या कर रहा था, दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास स्विच। तो स्विच क्या कर रहा था, ज़्यादा हम यहाँ से हब से स्टार्ट करते हैं। हब क्या था हमारे पास, मल्टी पोर्ट रिपीटर था कि बहुत सारे को आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा था, उनका डाटा आगे सेंड कर रहा था। लेकिन इसमें जो है डाटा जो सेंड हो रहा था वो अगर उसमें एरर था तब भी सेंड हो रहा था और वो सबको सेंड हो रहा था। ब्रिज जो है वो दो को आपस में कनेक्ट कर रहा था, लेकिन उसमें जो आगे स्विच आ गया हमारे पास वो क्या कर रहा था, एरर चेकिंग कर रहा था। अगर किसी पैकेट में डाटा ठीक नहीं था
तो उसे आगे सेंड नहीं कर रहा था, लेकिन डाटा सेंड सारी डिवाइसेस को हो रहा था। राउटर में क्या आ जाता है, राउटर में डाटा जो है वो सिर्फ उसी को सेंड होता है जिसका आईपी एड्रेस दिया गया होता है, उसमें सबको डाटा सेंड नहीं होता। राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स लैन एंड वैन्स टुगेदर एंड हैव अ डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन विच दे मेक डिसीजन ऑन द राउटिंग द डाटा पैकेट्स। तो राउटर्स में क्या होता है, एक राउटिंग टेबल होता है जिसमें पता होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राउटर है, तो इसके पास टेबल होगा कि अगर इसके पास डाटा आया है, इसने इस वाली डिवाइस को सेंड करना है, तो इसके पास पाथ दिया हुआ होगा कि किस पाथ को फॉलो करके इस जगह पर डाटा सेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है गेटवे। तो गेटवे एज द नेम सजेस्ट इज़ अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। तो गेटवे हमारे पास दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, बेशक उनके नेटवर्क मॉडल्स डिफरेंट हों या उनकी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हों। दे बेसिकली वर्क एज द मैसेंजर एजेंट्स दैट टेक डाटा फ्रॉम वन सिस्टम इंटरप्रेटेड ट्रांसफर इट टू एन अदर सिस्टम। गेटवे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। गेटवे आर जनरली मोर कम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर। तो गेटवे और ब्रिज जो है हमारे पास वो सेम काम ही कर रहे हैं, ब्रिज है या क्या है राउटर है, ये नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, गेटवे में हमारे पास प्रोटोकॉल क्या होती है, डिफरेंट होती है, प्रोटोकॉल डिफरेंट होती है। तो क्या गेटवे को करना पड़ता है, उनके दरमियान ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, उनके दरमियान इंटरप्रेट करना पड़ता है कि एक प्रोटोकॉल से का जो डाटा है उसे दूसरी प्रोटोकॉल के लिहाज से कन्वर्ट करना पड़ता है।